अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलो गाइस, आज हम बनाते हैं मछली, वो भी बहुत ही बेहतरीन बनाना बताऊंगी। और फटाफट से चलो बना लेते हैं, फटाफट से चलते हैं किचन में। तो गाइस, हम आ गए किचन में। तो देखो, हम मछली ली हूँ 1.5 किलो तक हुई है, रोहू मछली है। इसको हम धो के अच्छे साफ करके रखी हूँ। और कुछ ली हूँ मसाले पीसने के लिए, गर्म मसाले जैसे सारे, और 3 प्याज को हम पीस के रखी हूँ। और ये ली हूँ मेथी दाना तड़के के लिए। तो चलो, सबसे पहले हम मछली को रखती हूँ साइड में, उसके बाद मसाले पीस लेती हूँ। तो 5-6 कली लहसुन के लिए हूँ और 2-3 हरी मिर्च ली हूँ। और इसमें 2 टमाटर हम पीसेंगे। तो 2 टमाटर को इसमें हम डाल दे रहे हैं कट करके। देखो, 2 टमाटर हम डाल दे रहे हैं इसमें। अगर आप मछली में दही डालना चाहें तो टमाटर मत डालना, दही डाल देना। हम इसमें दही नहीं डालेंगे, इसलिए हम टमाटर डाल दे रहे हैं। देखो, इसमें डाल दिया। और सारे गरम मसाले भी इसमें डाल देंगे हम। खाली लकड़ी इसमें से निकाल देंगे बस, और सारी चीज़ें हम पीस लेंगे। जैसे तो जीरा, जावित्री, बड़ी इलायची, लौंग, छोटी इलायची, ये सब सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे। और काली मिर्च थी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं ली मसाले। अब इसमें हम पानी डाल के थोड़ा इसका पेस्ट बनाऊँगी। तो थोड़ा सा पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि इसमें टमाटर है ना, टमाटर तो पानी ऐसे रहता है टमाटर में। तो बस थोड़ा ही पानी डाल के इसका पेस्ट बनाना है हमें। तो देखो, ये पेस्ट बन के रेडी हो गया। अब इसको रखेंगे साइड पे, चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस जला दे रहे हैं हम, और गैस पर रख दिए हैं हम कढ़ाई। ये नॉन स्टिक कढ़ाई है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई बाहरी तलवे की कढ़ाई यानी तले की रखोगे, तो उसमें मछली फ्राई करने में बहुत अच्छा होता है, इसलिए मोटा बर्तन इस्तेमाल करना चाहिए थोड़ा। तो इसमें हम तेल डाल दिए सरसों का। अब जो तेल हमारा गर्म होगा अच्छे से, तो एक मछली उठा के देखो, इसमें ऐसे हल्के से हम इसमें आटा लगा दे रहे हैं। ये जो रोटी पकाने वाला आटा होता है, जिससे हम रोटियाँ बनाते हैं, वही वाला आटा है। थोड़ा सा लगा के से हम इसको फ्राई कर रहे हैं। आप ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यूपी वाले ऐसे ही फ्राई करते हैं। देखो, इसको ऐसे लगा कैसे रख दिए। अब इसको जब एक साइड से पक जाएगी, तभी दूसरी साइड से इसको हम चेंज करेंगे। अभी नहीं चेंज करेंगे। देखो, अब इसको हम एक साइड से थोड़ा पक गई, तो इसको हम चेंज कर दे, यानी हल्का ब्राउन हो जाए तब, हल्की ब्राउन हो जाती है तभी इसको पलटना चाहिए, नहीं तो टूट जाती है। तो देखो, इसको हम पलट दिए। इसको अच्छे से एकदम ब्राउन ब्राउन सा सेकना है। देखो, अच्छे से ब्राउन हो गई है। इतना ब्राउन थी फिर भी हमारे हस्बैंड कह दे थोड़ा और आपको फ्राई करना चाहिए था। इतनी गर्मी है यार, खाना पकाने का मन ही नहीं करता। गर्मी से पसीना से पूरा भीग जाते हैं। किचन में तो खड़े होने का नहीं मन करा, इतनी गर्मी पड़ी, इतनी उमस वाली गर्मी पड़ी बहुत ज़्यादा ही। ये दिल करता खाने न पकाए, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, पकाने पड़ेगा। हम औरतों का तो काम ही यही है, खाना पकाना, घर का काम करना है ना, बच्चे पालना, आदमी और बच्चों के सबके देखभाल करना तो करना ही पड़ेगा भाई। तो देखो, दूसरा बैच भी हम डाल दिए बातों बात में। देखो, सारी मछलियाँ हमारी बातों बात में फ्राई हो गई, पता भी नहीं चली। देखो, मछली हमारी सारी फ्राई होकर रेडी हो गई। तो चलो, इसमें हम अब मसाला बनाएंगे। तो सेम कढ़ाई में ही हम डाल देंगे मेथी दाना इसको तड़के के लिए। अगर आप कभी मछली बनाना तो उसमें मेथी डालोगे तो बहुत मस्त बनेगी। और इसमें डाल दें हम थोड़ा सा तेज़पत्ता और थोड़ी सी दालचीनी की लकड़ी, बस इतना डालेंगे इसमें तड़के के लिए, और कुछ नहीं डालेंगे। थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, थोड़ा सा बिल्कुल। और 2 प्याज को हम पेस्ट बना के रखें, उसको डाल दे रहे। जब थोड़ा सा तेज़पत्ता उत्ता पक जाएगा तब इसमें डालेंगे इसको। आप चाहे इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके भी डाल सकते हैं। इसको हम पेस्ट बना लिए, तो इसको हल्के से भूनेंगे हम। देखो, जब हल्के ये गोल्डन हो जाएंगी तब इसमें हम मसाले को डालूँगी। अभी नहीं डालूँगी, जो पीस के रखी हूँ मसाले पहले उसको डालूँगी, जब ये भून जाएंगे तब अच्छे से। तो देखो, अभी प्याज हमारी ब्राउन हो गई, अभी इसमें हम डाल दे रहे हैं जो मसाले पीस के रखी हूँ, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक इसमें नहीं डालूँ, और गर्म मसाले भी इसके साथ पीसी हूँ, इसको भी डाल दे रहे हैं। सब सारी चीज़ें हम इसमें पीस के डाल दे रहे हैं, पीसे हुए मसाले। थोड़ा सा जार भी धो के डाल दे रहे हैं, ताकि अच्छे से मसाला हमारा पके। थोड़ा सा इसमें पानी डालना ज़रूरी होता है ना। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच नमक स्वाद के अकॉर्डिंग, आप अपने हिसाब से नमक डाल लेना। जिसको अब हम चलाते रहेंगे। उसके बाद इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच भर के लाल मिर्च के पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जो कि तीखी नहीं होती। और 3 चम्मच भर के डाल देंगे इसमें धनिया का पाउडर। उसके बाद हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। ये सारे मसाले चलेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया 1/2 चम्मच, ज़्यादा गरम मसाला नहीं डाली, क्योंकि वो थोड़ा सा गरम मसाला डाल दे रहे हैं खुशबू के लिए।
तब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से भूनेंगे धीमी गैस पे, ज़्यादा तेज़ गैस नहीं करेंगे, इसको थोड़ा ढक के पकाएंगे हम। तो चलो इसको ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। धीमी गैस में सारा पकाओगे तो बहुत बेहतरीन सब्जी हो या मीट मछली हो तो बनती है, और मसाला की खुशबू भी नहीं निकलती, नहीं तो खुशबू सारी उड़ जाती है। तो देखो इसको हम इसे चला चला के अच्छे से भूनेंगे इसको। तो गाइस आज की वीडियो हमारी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। और कुछ अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, बस इतना ही करना। देखो बातों बातों में हमारा मसाला पक के रेडी हो गया। इसमें हम पानी डाल दे रहे हैं ग्रेवी के लिए, तो इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, फिर भी थोड़ा डालेंगे। तो इसमें हम देखो 1.5 गिलास पानी डाल दिए हैं, डाल के इसको ढक देंगे जब तक इसमें बॉईल ना हो, उबाल ना आ जाए जब तक के लिए। देखो इसमें उबाल आ गया। अब इसमें हम मछलियों को डालेंगे जो फ्राई करके रखे हूँ। खड़े खड़े तो हम दो मछली खाई गई थी जब तक ये सब पक रहा था, इसमें पानी जो उबाल आ रहा था। बच्चे ही हमारे नहीं खाते, लेकिन हमारे हस्बैंड खाते हैं, हम खाए और हमारी बहन का लड़का खाया। बच्चे तो हमारे कहते हैं मछली नहीं खाएंगे, इसमें कांटे होते हैं, कांटे होते हैं, लेकिन मछली खानी चाहिए यार, मछली बहुत फ़ायदेमंद होती है। मछली खाने से हम बहुत फ़ायदा होता है। इस मीट मछली मीट ना खाओ, चिकन ना खाओ, लेकिन मछली खाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही प्रोटीन होता है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो चलो देखो हम मछली इसमें डाल के इसको ढक दिए, मछली हमारी बनके रेडी हो गई, बहुत ही मस्त खुशबू भी आ रही है और देखने में बहुत मस्त लग रही है। ये मछली 1.5 किलो थी ना, इसलिए इसमें कढ़ाई में थोड़ा छोटी पड़ रही, इससे बड़ी हमारे पास कढ़ाई नहीं है, इसलिए थोड़ा देखो कैसे भर गई है पूरी कढ़ाई। अब इसमें हम डाल दिए धनिया का पत्ता, अब हम गैस को करेंगे बंद, इसीलिए इसमें धनिया पत्ता डाल देना, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा डालेंगे। देखो थोड़ा डाल के अब हम गैस बंद कर देंगे, उसके बाद इसको थोड़ी देर बाद सर्व करेंगे। तो चलो थोड़ी देर बाद इसको सर्व करके देखते हैं कैसे बनी हुई मछली। वाह माशाल्लाह कितनी बेहतरीन बन गई है। तो गाइस आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कर देना। इसको आप रोटी चावल किसी चीज़ के साथ खाओगे बहुत ही मस्त लगने वाला है, ये बहुत बेहतरीन लगती है मछली। हमें तो बहुत पसंद आई थी भाई, हम पकाए थे तो इसको बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो गाइस अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना और अपना ख्याल रखना। बाय।